वेलकम टू अपडेट मास्टर। प्राइमरी नियोग सम्पर्कित विभिन्न बेपार नहीं भिडियोते तथ्य देवा विस्तारित भावे आलोचना करा तो उल्लेख्य बेपारगल शेष पर्यंत भिडियो देखते थकूँ। तो आगे बोले रखी जरा एखो पर्यंत चैनल को कारण सबसक्राइब करते भूले गेन अवश्य सबसक्राइब कर रखु अपन ही क्या लागे पासे एक बेल आइकन आए वो प्रेस कर लेल अपशन आसें जस्ट वोटा क्लिक कर दिन तालोले भिडियो आपलोड करार संगे संगे अपनारा क्यों अपन डिवाइस अपडेट पे जा नोटिफिकेशन आकारे। तो एबले शुरू करा जा। तो भिडियोते जो गुरुत्वपूर्ण बेपारगलो आलोचना करा सेगुलो हे डीएलएड बनाम बीएड जो केस से कब शुरानी होते चले अर्थात डीएलएड वर्सेस बीएड बोलते पारें अर्थात आगामी दिन अर्थात प्राइमरी रिक्रुटमेंट क्षेत्र कादेर अग्राधिकार होबे ना समान अधिकार थाकबे सेई बेपार निये एई केसटा सेटा कबे शुनानी होबे सेटा आपनादेरके जानानो होबे। एबं तार साथे प्राइमरी 16500 आरटीआई मामलार कि खबर एबं सेक्षेत्रे बड़ो खबर आसछे एकटा एबं सेटा आपनादेरके तथ्य देवा होबे एबं इनफरमेशनटा जेटा सेटा शेयार करा होबे। एबं तार साथे प्रश्नबुल मामला एबं तार साथे मैट 1594 अर्थात प्रश्नबुल मूल मामला सेटार खबर कि ए अवस्था कि मैं कि सीचुएशन तार एवं अवश्य ही शेष पर्यंत देखते थकूँ। प्राइमरि चाकरी पड़ते हम तो अवश्य अपना शेष पर्यंत देखते हैं। तो शुरू करा जाक। तो सवार प्रथम जो अपने जानो से हे डीएलएड बनाम बीएड केस एवं से क्षेत्र में कब ये उठते चले कब शुरानी होते चले संक्रांत बेपार। तो ये सुप्रीम कोर्टर बेपार चले गए अपना जाना से क्षेत्र में आगामी 24 अगस्ट यहाँ उठार सम्भावना आ से दिन जो सब कुछ ठीक ठाक थे गुरुत्वपूर्ण एक जजमेंट बैरिए आसें अने वेट करटार जजमेंटर ऊपर और फाइनल जो बेपारेटार ऊपर। तो अवश्य अपना क्योंकि कमेंट करबें यटार जो वेट करा। तो ये डीएलएड बनाम बीएडर बेपार अर्थात आगामी दिन रिक्रुटमेंट प्रसेसे डीएलएड अग्राधिकार थे ना समान अधिकार थको डीएलएड बीएड तो क्यों फाइनल जजमेंटर ऊपर निर्भर करा। एर आगे देखे जो इंडियाते विभिन्न स्टेटे विभिन्न रकम जे जजमेंट होक्रांत बेपार अपन के तो एखन देखार विषय वेस्ट बेंगल क्षेत्र में कि जजमेंट उठे आसे फाइनल कि रायदान है। तो संगे थकबें आप अवश्य अपडेटगुलो जानाबो। एबार आपनारा जे बेपारे जाबो सेटा होच्छे प्राइमरी जे 16500 आरटीआई केस जरा जानें ना तादेरके बोले रखी 16500 रिक्रुटमेंटेर क्षेत्रे आरटीआई केसेर अर्थटा कि 16500 पर्षद बोलछे नियोग प्रक्रिया जे प्रथमे जेटा बोलेछिलो जे नियोग प्रक्रिया कोनो शून्य पद नहीं आर 16500 कमप्लीट हो गेछे तारपर जेटा माने नट इनक्लूड कैंडिडेटरा विभिन्न डिपिएससी ते आरटीआई करार जो जो कत नियोग तो से क्षेत्र में ता जानते परे जे प्राय 6024 शून्य पद एखो आंतु और एक लेटेस्ट आपडेट जेटा और से ही संक्रांत केस है से आरटीआई केस बोलते अपनारा से ही संक्रांत एक नतून जो आपडेट उठे आसे किछुदिन आगे। तो क्षेत्र में पर्षद जेटा बोले जे 1114 शून्य पद पड़े आखने तालोले दुटो डेटार मत मिल मैं मिल खाचे ना अर्थात 6024 এদিকে বলা হচ্ছে যদিও তিনটে ডিপিএসসি বাদ দিয়ে ওটা এবং এদিকে বলা হচ্ছে 1114 তাহলে দুটো মিল খাচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে এটা চার দিন আগে যখন বিচারপতি এটার শুনানিটা দেবেন বলে বলেছিলেন অর্থাৎ ফাইনাল জাজমেন্ট তখনই একটি কন্ট্রাডিকশন চলে আসে এখানে। তো তখন বলা হয় যে 23 আগস্ট এই 23 আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে पर्षद के पिटिशनारदेर साथे बसे समस्या समाधान निर्देश देवा हयेछे अर्थात तादेर आईनजीवीरा पोस्टमैन साधारणत जेटा बोझा जाच्छे। तो सेक्षेत्रे समस्या समाधान एई कारणे बला हच्छे कारण दुटो डेटा मिलछे ना एबं निजेदेर मध्ये परामर्श एबं आलोचना करे जेटा उठे आसबे सेटा किन्तु 23 तारिखेर मध्ये ब्यापारटा जाना जाबे एबं सेटा उल्लेखजोग्य ब्यापार उठे आसबे। तो अवश्यई आमरा जानाबो आपडेटगुलो जखन पाबो एटा निये तखन संगे थाकबेन। तो एबार ताहले चले जाओ जाक जे प्रश्नबुल मामला अर्थात प्रश्नबुल मामला बोलने किन्तु अनेक बेपार उठे आसे एवं से क्षेत्र में एक बेपार जो डिविशन बेचे MAT 1594 अर्थात मैट 1594 এই संक्रांत जो बेपार्टा एखो पर्त हो जे अभिजीत बाबू बेचे उठे किछु दिन आगे एवं सेखाने एक प्रश्न करा हय एवं जे मैट 1594 डिविशन बेचे रही है तार आगे तादेरके कि करे नियोग देवा हलो प्रश्नबुल मामलार जे नियोग आपनारा जानें जे 738 किंबा जे बेपारटा। तो सेक्षेत्रे एई प्रश्नटा उठे जेटा फैक्ट सेटा आपनादेरके बला हच्छे एबं एई निये पर्षदेर कोनो उत्तर ना पाओयाय प्रश्नबुल मामला निये पर्षदके एफिडेविट जमा देवार निर्देश किन्तु देवा होयेछे कोर्टेर पक्ष थेके। तो
এই সংক্রান্ত যখন আপডেট আসবে আপনাদেরকে জানাবো, সেই জন্য সঙ্গে থাকবেন। তো এই ছিল পুরো ব্যাপার এবং তার সাথে টেট 2014 নট ইনক্লুড ক্যান্ডিডেট এবং তার সাথে প্রাইমারি টেট 2017 ক্যান্ডিডেট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আপডেট আসবে এবং তাছাড়া আদার্স যারা নতুন টেটের জন্য ওয়েট করছেন সেই সংক্রান্ত খবর কিন্তু আমরা সবার প্রথম নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তো এখনও পর্যন্ত যে খবরগুলো আপনাদেরকে জানানো হলো, এই সংক্রান্ত কোনো মানে তথ্য যদি আপনারা আরও জানতে চান কিংবা কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট করুন, এবং তাছাড়া প্রাইমারি রিলেটেড কিংবা আদার্স যে কোনো রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও কমেন্ট করতে পারেন, এক এক করে উত্তর দেওয়া হবে। এবং একটি বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে, এই ভিডিওর আগে একটি ভিডিও আপনারা দেখেছেন, যারা দেখেননি তাদের জন্য বলছি, আমাদের চ্যানেল থেকে শেয়ার করা হয়েছিল যে OMR যে ফরেন্সিক ল্যাবে যাচাই নিয়ে, তো সেটার লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আমরা, এবং সেক্ষেত্রে আপনারা সেই ভিডিওটা দেখবেন, সবারই দেখা দরকার, চারিদিকে যে ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে সেটা আসল ব্যাপারটা জানার জন্য, ঠিক আছে? কারণ আমরাই ইউটিউবে সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছিলাম এই খবরটা আপনাদেরকে, এবং আপনারা যথেষ্ট দেখেছেন অনেকেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ বাকি আছেন দেখতে অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন, মিস করবেন না কিন্তু। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আমি আবারও বলছি, যদি আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন করে দিন, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল করে দিন ইম্পর্টেন্ট আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের লিঙ্কগুলো ডেসক্রিপশনে আছে, ফেসবুক, টুইটার, টেলিগ্রাম ইত্যাদি, তো সেগুলো কিন্তু জয়েন করে নেবেন।